तो कैसे हैं आप लोग? हाय गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी थी, सोचा लाइव आके किया जाए ताकि आप सभी स्टूडेंट्स से भी कुछ फीडबैक मिले, इमीडिएट फीडबैक मिले। कुछ स्टूडेंट्स की अगर क्वेरी होगी तो इमीडिएटली उस क्वेरी को रिप्लाई भी कर दिया जाएगा। हेलो हेलो एवरीवन, मयंक ओबराय, मिस्टर सरफू, सॉरी अगर मैं नाम सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, ऋषभ जैन, रंगोली, रितिका, गुड आफ्टरनून गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? बच्चों के मन में कुछ सवाल हैं मेरे रेगुलर कोर्स को लेकर जो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। न्यू बैच मैंने स्टार्ट किया है, पूरी तरीके से नया बैच है। मैंने अभी जस्ट स्टार्ट कुछ ही टाइम पहले इसकी रिकॉर्डिंग शुरू की है। तो सोनू, जयेश, दीपक, अमित, प्रतीक, निशित, सागर, रेणुका, मैं एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। थेरेसा, पॉल, ओके। सो स्टूडेंट्स में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं कि सर इंस्टीट्यूट हैज केम अप विथ न्यू मॉड्यूल्स फॉर May 21 अटेम्प्ट्स ऑनवर्ड्स। सर व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू? क्या आप हमें एडिशनल क्वेश्चंस अलग से करके देंगे? क्या अगर हम आपकी बैच परचेज करते हैं तो जो बैच नया वाला मिलेगा वो अपडेटेड होगा कि नहीं होगा? राइट। अंकिता, प्रिया, देवांश जैन, नमस्ते। सो आई थॉट ऑफ जस्ट कम ऑन लाइव एंड टू टॉक विद यू। और उससे पहले मुझे एक जो अनाउंसमेंट करने की मैं प्लानिंग कर रहा था, सो आई थॉट कि ठीक है, एक अनाउंसमेंट कर ली जाएगी, साथ ही साथ आप लोगों की क्वेरीज भी हैंडल कर ली जाएंगी। नाउ द पॉइंट इज कि ये अनाउंसमेंट मैं जो करने वाला हूं, मैं अभी आपके कमेंट पढ़ते जाऊंगा, बट अभी मैं थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, फिर मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आपके क्वेरीज भी लूंगा अगर आपको कुछ मुझसे पूछना हुआ तो। ये अनाउंसमेंट जो होने जा रही है, सबसे पहले ये अनाउंसमेंट होने जा रही है मेरी FR रेगुलर कोर्स, रेगुलर इनडेप्थ कोर्स बैच को लेकर। FR रेगुलर इनडेप्थ कोर्स बैच जो मैंने रिसेंटली नवंबर 2020 मंथ में स्टार्ट किया, अभी भी मेरी रिकॉर्डिंग करंटली चल रही है। दिस इज गोइंग टू बी 100% न्यू रिकॉर्डिंग। इसमें कोई भी पुराना लेक्चर हम नहीं डालने वाले हैं। अनाउंसमेंट क्या है उस पे हम आने की कोशिश करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारा ये रेगुलर कोर्स बैच अभी रिसेंटली परचेज किया है, क्योंकि हमने उसको रिसेंटली अपनी वेबसाइट पर लिस्ट किया, वी स्मार्ट अकेडमी वेबसाइट पर। सो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारा कोर्स परचेज किया या करने का सोच रहे हैं, हो सकता है उनको हमारी तरफ से जो शिपमेंट भेजा जाएगा बुक्स का और पेन ड्राइव का, हो सकता है उसमें थोड़ी सी देरी हो कंसीडरिंग द कंटेनमेंट जोन्स। स्टिल इंडिया में बहुत सारी जगह पर कंटेनमेंट जोन्स हैं जहां पर थोड़ा सा लेट हो सकता है हमारा शिपमेंट। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यही कारण से अभी बैच नहीं लेने का सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कि कब लेंगे, कैसे हमें बुक्स मिलेंगी, कितने टाइम में बुक्स मिलेंगी। सो देर आर टू कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स दोज हु हैव ऑलरेडी परचेज द बैच बट दे माइट नॉट गेट द बुक्स अभी तक, स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग टू परचेज द बैच ऑफ CA जयसर रेगुलर कोर्स बैच, एंड दे आर जस्ट थिंकिंग कि परचेज करते हैं करके अभी उन्होंने प्लान पूरी तरीके से नहीं किया है, अभी उन्होंने ऑर्डर नहीं किया है।
ठीक है। सो द पॉइंट इज कि ये जो न्यू सिलेबस का जो एफआर न्यू सिलेबस का रेगुलर कोर्स मैं अभी रिसेंटली रिकॉर्ड करना शुरू किया है, इसमें हम अपनी तरफ से एक बच्चों को एक्सटेंडेड सपोर्ट देना चाहते हैं। ये एक्सटेंडेड सपोर्ट क्या है? एक्सटेंडेड सपोर्ट ये है कि नाउ वी हैव डिसाइडेड कि जो हमारा मॉड्यूल वन रहेगा मेरे एफआर रेगुलर कोर्स में, तीन मेन मॉड्यूल्स रहते हैं, पूरे कोर्स को तीन मॉड्यूल्स में कवर किया गया है, मॉड्यूल वन, मॉड्यूल टू, मॉड्यूल थ्री। मॉड्यूल वन जो रहेगा, मॉड्यूल वन कौन सा रहेगा मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये दिस वुड बी द मॉड्यूल वन। मॉड्यूल वन कुछ ऐसा दिखेगा। ये मॉड्यूल वन में क्या क्या कवर होता है, अगर आई होप आपको शायद स्क्रीन पे प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा तो आप मेरा सुन लीजिए। मॉड्यूल वन में बेसिक्स कवर होता है, इंड एस 12 इनकम टैक्सेस कवर होता है, और सारे के सारे असेट बेस्ड इंड एस कवर होते हैं। असेट बेस्ड इंड एस में सारे इंड एस आ जाते हैं, इंक्लूडिंग इंड एस 116 लीजेस। ठीक है, तो मॉड्यूल वन में ये सब कवर होता है। मॉड्यूल वन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? टेंटेटिवली 270 नंबर ऑफ क्वेश्चंस या उससे ज्यादा क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स को छोड़कर। एग्जाम्पल्स तो अलग से हैं जिनको मैं गिनता ही नहीं हूं। ठीक है, अलग से जो मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्वेश्चन या एग्जाम्पल मैं क्लास में जो लिखवाता हूं उनको छोड़कर, कोविड-19 इंपैक्ट ऑलरेडी इसमें कवर अप कर दिया है मैंने, कुछ इंटरनेशनल टैक्स मटेरियल जो रहता है उनसे कुछ क्वेश्चंस लिया है, राइट, ITFG क्लैरिफिकेशंस भी लिया है। तो ये जो मॉड्यूल वन है, मॉड्यूल वन के लेक्चर्स, नाउ वी हैव डिसाइडेड टू प्रोवाइड एक्सटेंडेड सपोर्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द सीए फाइनल स्टूडेंट्स, एंड दिस इज गोना बी वेरी गुड न्यूज फॉर यू कि हम अपनी तरफ से आपको मॉड्यूल वन के सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर दे रहे हैं। ऐसा क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा ये एक्सटेंडेड सपोर्ट है, ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑर्डर करना चाहते हैं या जो ऑर्डर कर चुके हैं जिनको अभी तक बुक्स नहीं मिली हैं घर पे, जिनको लेक्चर्स नहीं मिले हैं, दे आर नाउ बेसिकली कैन वॉच, कैन कंटिन्यू टू वॉच द लेक्चर्स। उनको किसी प्रकार से वेट करने की जरूरत नहीं है। यस ऑफ कोर्स आपको बुक्स आएगा, घर पे मिलेगा आपको, आगे के लेक्चर्स भी आप घर पे आराम से देख सकते हैं, बट फिलहाल ये जो मॉड्यूल वन के जितने भी लेक्चर्स होंगे, टेंटेटिवली 30 लेक्चर्स होंगे, प्लस टू मान के चले, ज्यादा बेटर होगा, मतलब इससे इससे कम नहीं होने वाले, इससे ज्यादा ही लेक्चर्स होने वाले हैं। टेंटेटिवली 30 लेक्चर्स का मॉड्यूल वन कवर होगा, जो कि YouTube पर हम वी स्मार्ट अकेडमी चैनल और सीए जय चावला चैनल पे डाल रहे हैं। इसमें किस तरीके से रहेगा? रोज एक लेक्चर YouTube पे अपलोड होने वाला है। इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 13 to 14 लेक्चर्स आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन YouTube वी स्मार्ट अकेडमी चैनल। इसके साथ साथ मॉड्यूल वन की पीडीएफ कॉपी, मॉड्यूल वन की पीडीएफ कॉपी हम उस वीडियोस के साथ आपको दे रहे हैं। अब इससे फायदा उन बच्चों का है जिन बच्चों ने ऑलरेडी नोट्स, ऑलरेडी हमारी क्लासेस को ऑर्डर कर लिया था पर अभी तक उनके पास क्लासेस पहुंची नहीं है, दे आर फ्री टू वॉच ऑन यूट्यूब ओनली विथ द पीडीएफ नोट्स जब तक उनके पास बुक्स आए। ये फायदा उन बच्चों के लिए भी है हु आर प्लानिंग टू परचेज द रेगुलर कोर्स, और आगे वो डिसाइड कर लेंगे कि क्या हमें ये कोर्स समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब आपको इस इतने लेक्चर्स में ये आप एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमें कितना अच्छे से समझ में आ रहा है और आगे हम क्लासेस को कैसे प्लान कर सकते हैं और लेक्चर्स को ऑर्डर कर सकते हैं। मॉड्यूल टू और मॉड्यूल थ्री के लेक्चर्स इंक्रिप्टेड फॉर्म में मिलेंगे आपको। मॉड्यूल वन के लेक्चर्स, क्योंकि नंबर ऑफ लेक्चर्स अच्छे खासे हैं, 30 लेक्चर्स हैं, तब तक आपको आसानी से हमारा मॉड्यूल वन और बाकी बुक्स का शिपमेंट भी हो जाएगा, आपको पेन ड्राइव अगर आपने ऑर्डर किया होगा तो उसका शिपमेंट हो जाएगा, मतलब आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। ये चीज ध्यान में रखी गई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, कई बार परेशान होते हैं फैकल्टीज का, जब लेक्चर्स ऑर्डर करते हैं तो वो बोलते हैं कि बहुत दिन हो गए सर, देखिए मेरा अभी ऑर्डर प्लेस हो गया है बट अभी प्रोसेस नहीं हुआ है सर, ये क्या बात है सर ऐसा। सो वी हैव डिसाइडेड कि क्यों ना अब बच्चों को एक्सटेंडेड सपोर्ट दिया जाए, राइट। सो दिस इज गोना बी वेरी गुड न्यूज फॉर यू। ठीक है, सो नाउ दिस इज गोना बी वेरी गुड न्यूज। मैं आपको फिर से मॉड्यूल वन का इमेज दिखा देता हूं, दिस इज गोना बी द मॉड्यूल वन। मॉड्यूल टू और मॉड्यूल थ्री का प्रिंटिंग हमने रोक के रखा था, उसका रीजन था कि हमें, मुझे पता था कि इंस्टीट्यूट नवंबर दिसंबर या जनवरी तक नए चेंजेस हमेशा लाता है,
नवंबर दिसंबर इज द मंथ जब इंस्टीट्यूट की तरफ से नए चेंजेस अपडेटेड मॉड्यूल्स हमेशा लॉन्च होते हैं. सो मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 को अभी हमने प्रिंट नहीं किया है. अभी मेरी टीम और मैं मिलकर जो न्यू अभी चेंजेस इंस्टीट्यूट लेके आया है, नए एडिशनल क्वेश्चंस, नए एडिशनल एग्जांपल्स, टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस, न्यू पैराग्राफ्स, व्हाटएवर इट इज, जो भी चीजें नई डेवलप हुई हैं इंस्टीट्यूट के द्वारा, हम उन चीजों पे काम कर रहे हैं. हमारा उन चीजों पे रिसर्च चल रहा है और उस रिसर्च मटेरियल को कंप्लीट किया जा रहा है. हम एक अपना एक सेपरेट खुद का मटेरियल बना रहे हैं और उस मटेरियल को रेगुलर कोर्स बैच में मॉड्यूल 2 के साथ कंबाइन कर दिया जाएगा. और जो आपको मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 मिलेगा, दैट विल बी द अपडेटेड मटेरियल. और मॉड्यूल 1 के जो भी टॉपिक्स अपडेट हुए हैं, वो टॉपिक्स भी आपको मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 के साथ दे दिए जाएंगे. सो मतलब ये बैच एक बिल्कुल रीसेंट बैच है, बिल्कुल रीसेंट बैच है. और इस बैच में आपको सारे के सारे नए लेक्चर्स मिलेंगे विथ ऑल अमेंडमेंट्स, विथ अपडेटेड मटेरियल ऑफ आईसीआई. उस पूरे मटेरियल का ध्यान रखा जा रहा है, तभी हमने मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 की प्रिंटिंग अभी रोक ली है. ठीक है. सो गाइस, एडिशनल जो पीडीएफ रहेगा मॉड्यूल वन का जो पीडीएफ रहेगा, वो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. उस मॉड्यूल वन में पूरे कवर होंगे आपके 30 लेक्चर्स, इवन 30 से ज्यादा ही लेक्चर्स कवर होंगे. यस, मुझे पता है कुछ बच्चे शायद अभी ये पूछ रहे हैं कि सर जो एडिशनल क्वेश्चन है आईसीआई के मॉड्यूल उनके मॉड्यूल के हिसाब से देर आर 4 मॉड्यूल्स. मेरे हिसाब से मैं उन 4 मॉड्यूल्स को 3 मॉड्यूल्स में कवर करता हूं. So, जो भी आईसीआई ने नए एडिशनल क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए हैं, एग्जांपल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं. उसका सेपरेट मटेरियल सॉफ्ट कॉपी में आई विल प्रोवाइड यू. मैं ये गारंटी कर रहा हूं वो पूरा मटेरियल आपको सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड किया जाएगा. आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से जाके डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, एक एक चेंज को देखने की जरूरत नहीं है. वो मटेरियल मेरी तरफ से बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड किया जाएगा. हमारा इस पे काम चल रहा है. मैं अभी डेट तो अभी इतना जल्दी बता नहीं सकता हूं, बट यस, मैंने सैंपल के तौर पर 116 का मटेरियल अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी बच्चों को प्रोवाइड कर दिया था कि इस तरीके से हम आगे के बाकी सारे मटेरियल्स आपको देंगे. सो डोंट वरी, चाहे आप मेरे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट ही क्यों ना हो, आपको पता होगा कि हम अपनी क्लासेस को अपडेट करते रहते हैं समय समय पर. तो अगर आपने मेरे पहले कोई फास्ट ट्रैक, बूस्टर, रेगुलर कोर्स परचेज किया है, तो वो एडिशनल क्वेश्चंस की शीट जरूर आपको मिलेगी. वो फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए है वैसे तो. और उनमें से सिलेक्ट किया जाएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी नेचर के क्वेश्चंस हैं, रिपीटेटिव नहीं है, उन सिलेक्टेड क्वेश्चंस का वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पे. बट एक चीज है, मुझसे बस डेट मत पूछना. पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द मैं वो लेके आऊंगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड, इसी बात पे वापस आते हैं. सो बच्चों, ये बहुत ही अच्छी न्यूज है उन सभी बच्चों के लिए जिनको ये एक्सटेंडेड सपोर्ट मिल रहा है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी मेरे लेक्चर्स को परचेज करने का प्लान कर रहे हैं. उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप आराम से इन लेक्चर्स को देखते जाइए. आपका मेरे हिसाब से 1/3 कोर्स अच्छे से कवर अप भी हो जाएगा और उसके बाद आप मेरी क्लासेस को, रिमेनिंग क्लासेस को अवेल कर सकते हो परचेज करके. और आपको मॉड्यूल 1, 2, 3 हार्ड कॉपी में भी मिलेगा. ठीक है. सो गाइस, मैं थोड़ा सा इसमें डिस्क्राइब करना चाहता हूं कि जो मेरा एफआर का जो रेगुलर कोर्स है, उसके जो टोटल लेक्चर्स होंगे, एफआर के जो लेक्चर्स होंगे टोटल, वो कितने टोटल लेक्चर्स होने जा रहे हैं. टोटल मिला के 75 अप्रोक्स लेक्चर्स हो सकते हैं. इसमें आप प्लस 5 मान सकते हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो चेंजेस किए हैं, कंसीडरिंग दोस चेंजेस, अगर मैं उनको पढ़ाने जाऊंगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 से 5 एक्स्ट्रा लेक्चर्स, अगर उनको भी कवर करूंगा तो 4 से 5 एक्स्ट्रा लेक्चर्स डेफिनेटली होने वाले हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स मोर देन 200 उन्होंने दिए हैं. सो वो भी कवर करना जरूरी है. तो एटलीस्ट 25 प्लस अप्रोक्स लेक्चर्स होने वाले हैं. सर, कोर्स की वैलिडिटी कब से कितनी होने वाली है? कोर्स की वैलिडिटी क्या होने वाली है? कोर्स की वैलिडिटी होती है बेटा 12 मंथ्स. एफआर जो कोर्स है, मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में ही अवेल करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स एफआर को पहले से ही पढ़ लेते हैं, उनके 2 साल बाद 3 साल बाद उनकी क्लासेस होती हैं, तो 12 महीने की वैलिडिटी देना बहुत जरूरी है. सो 12 मंथ्स का वैलिडिटी रहेगा. रीसेंट रिकॉर्डिंग किया गया है और अभी मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है. यू वॉन्ट बिलीव, अभी मेरे सिर्फ 25 लेक्चर्स हुए हैं.
आई हैव जस्ट कवर्ड 25 लेक्चर्स और मैं पिछले 3 दिन से लेक्चर्स नहीं ले रहा हूं क्योंकि मेरा पूरा काम चल रहा है एडिशनल क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस बाय आईसीआई. आईसीआई ने जो भी मॉड्यूल अपलोड किया है उस पर मेरा पूरा पूरा काम चल रहा है. ठीक है. सो रीसेंट रिकॉर्डिंग है, रीसेंट रिकॉर्डिंग है. मैंने ये रिकॉर्डिंग कब स्टार्ट की? स्टार्टेड इन नवंबर 2020. बच्चों प्लीज, अगर आपको ये लगता है कि आपने भले मेरी क्लासेस ले ली हैं या फिर आपने कभी भी रेगुलर कोर्स पहले से कंडक्ट कर लिया, बट आपको पता है कि आपके बहुत सारे जूनियर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, जिनके लिए क्लासेस यूजफुल होने वाली है, तो आप ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा अपने जूनियर्स और फ्रेंड्स के साथ. रिसेंट रिकॉर्डिंग है नवंबर की. ठीक है. इसके अलावा वैलिडिटी मैंने आपको बता दी. मॉड्यूल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि कितने मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे. 3+1+1. 3 मतलब 3 आपके मेन मॉड्यूल्स होंगे, जिसमें से मॉड्यूल 1 के सारे लेक्चर्स आपको YouTube पर दिए जा रहे हैं एज एन एक्सटेंडेड सपोर्ट. 1 आपको एक्स्ट्रा कंपाइलर दिया जाएगा, दैट कंपाइलर क्वेश्चन बैंक. इस कंपाइलर क्वेश्चन में एडिशनल मोर देन 4 to 500 क्वेश्चंस, मोर देन नहीं, बिटवीन 4 to 500 क्वेश्चंस इसमें कंपाइलर में कवर होंगे, जिनके सेपरेट वीडियोस यूट्यूब पे जनवरी मंथ से अपलोड होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है ना. कंपाइलर क्वेश्चन बैंक के सेपरेट वीडियोस यूट्यूब पे सभी के लिए अपलोड होना शुरू हो जाएंगे. और एडिशनल एक चार्ट बुक दी गई है, जो चार्ट बुक के बारे में मुझे लगता है आप सभी लोगों को पता होगा, आपने बहुत प्यार दिया नवंबर 20 अटेम्प्ट में. चार्ट बुक के वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, आगे भी चार्ट बुक के वीडियोस अपलोड होते रहेंगे क्योंकि इन डेज में चेंजेस होंगे, तो डेफिनेटली चार्ट बुक के रिविजन्स में भी चेंजेस होते जाएंगे. सो आपको ये बुक प्रोवाइड की जाएगी. मॉड्यूल 1 याद रखिएगा, फिलहाल मॉड्यूल 1 पीडीएफ में दिया जाएगा जो बच्चे यूट्यूब से अपना काम चला रहे हैं, बट अगर वो बाद में जाके क्लासेस ऑर्डर करते हैं तो उनको मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, कंपाइलर और चार्ट बुक सब हार्ड कॉपी में मिलेगा, कलर्ड में मिलेगा. ठीक है. जस्ट हैव अ लुक कि मेरे रेगुलर कोर्स के जो मॉड्यूल्स होते हैं वो किस तरीके से दिखते हैं. दिस इज हाउ वी ड्राफ्ट आवर नोट्स. जगह जगह पर हमने इंपैक्ट ऑफ COVID-19 कवर किया है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. जगह जगह पर हमने पॉइंट वाइज क्लियर किया है, कवर किया है. जहां जहां चार्ट्स की जरूरत है वहां हमने चार्ट्स वगैरह बना के प्रेजेंट किया है. ठीक है ना. तो इस तरीके से हमने कोशिश की है पूरा कि अपना आपको मॉड्यूल्स प्रोवाइड करें. ये मेरे क्लास के मॉड्यूल्स हैं जिसमें मैंने आपको सॉल्व भी करवाया है, साथ साथ मेरा डिस्कशन इसमें किया हुआ है. सो इस तरीके से हम अपने मॉड्यूल्स को कवर करते हैं. ठीक है बेटा. So, इस तरीके से आपको मॉड्यूल 1 प्रोवाइड किया जाएगा. राइट. सो नाउ आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल गया अगर आप में से कोई बच्चा रेगुलर कोर्स प्लान कर रहा है तो. ठीक है. अब सबसे खास बात क्या है रेगुलर कोर्स, रेगुलर इनडेप्थ कोर्स की. व्हाई आई एम सेइंग इनडेप्थ कोर्स, इनडेप्थ कोर्स इसलिए क्योंकि हम यहां पर यह ध्यान जरूर रख के चलते हैं कि सिर्फ बच्चे को एग्जाम ओरिएंटेड नॉलेज ना मिले और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नॉलेज मिले. यू नो वेरी वेल कि सीए बनने के बाद आपको इन डेज कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से काम आने वाला है, अगर आप जॉब में जाने वाले हो या अगर आप प्रैक्टिस करने वाले हो, अगर आप स्पेशली बिग फोर जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज को ज्वाइन करने वाले हो. सो ये इनडेप्थ कोर्स का मतलब यही है कि आपको हमारा टारगेट जो है वो ना सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड नॉलेज दें बल्कि आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नॉलेज भी प्रोवाइड किया जाए. एंड हेंस आई took the name regular in-depth course. Now the most important, the सबसे जो खास बात है इस पूरे regular in-depth course की, कि मैं regular in-depth course के साथ अपना booster revision course आपको free of cost provide करूंगा. Free of cost मतलब ये कि आपको lectures के लिए कुछ भी pay करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मेरे booster course की बुक्स को परचेज करना पड़ेगा. करंटली मेरा बूस्टर कोर्स का जो प्राइस रहता है वो 3500 अप्रॉक्स रहता है. अब ये बूस्टर कोर्स फ्री करने का रेगुलर कोर्स के साथ क्या लॉजिक हुआ? लॉजिक ये हुआ कि जनरली एफआर इज अ सब्जेक्ट जो हम सबसे पहले उठाते हैं या फिर सेकंड
सब्जेक्ट उठाते हैं, और हमारी जो एग्जाम जो अटेम्प्ट होता है वो लगभग 3 साल बाद होता है, 2.5 साल बाद होता है, 3 साल बाद होता है। अब देखिए रेगुलर कोर्स में मैं आपको 12 मंथ्स का वैलिडिटी तो दे ही रहा हूं। अब एक बार आपका वैलिडिटी जब खत्म हो गया, आप आगे बढ़ जाते हो, आप बाकी के लेक्चर्स करना शुरू करते हो, SFM भी करते हो, कॉस्टिंग करते हो, लॉ करते हो, DT IDT करते हो। बट होता क्या है, व्हाट आई रियलाइज्ड, कि एग्जाम से 6 महीने पहले हमें रियलाइज होता है कि हमें FR को रिवीजन करना है। अब जो हमने जय चावला सर की क्लासेस ली थी या हमने किसी भी फैकल्टी की क्लास ली थी, उसकी वैलिडिटी तो खत्म हो चुकी है। अब हम अगर उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है तो अब हम उसको रिवाइज कैसे करें? ऊपर से इन 2 सालों के अंदर अंदर बड़े सारे चेंजेस भी आ सकते हैं। सो उन सभी चीजों का ध्यान में रखते हुए हमने अपने स्टूडेंट को, रेगुलर कोर्स के स्टूडेंट को, एक अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर आपके एग्जाम करीब आने वाले हैं, आपने पहले रेगुलर कोर्स किया था, तो आपको वापस से रेगुलर कोर्स की सीरियल की एक्सटेंड करवाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे बूस्टर रिवीजन कोर्स को अवेल करो, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिन बच्चों ने रेगुलर कोर्स खरीदा है, सिर्फ उनको बुक प्राइस देना पड़ेगा, दैट वुड हार्डली बी 500 to 700 रुपीज। सिर्फ बुक प्राइस पर आपको अपडेटेड बूस्टर कोर्स मिलेगा, उस टाइम का अपडेटेड, जिस टाइम पर आपको लेक्चर्स चाहिए उस अटेम्प्ट के लिए अपडेटेड बूस्टर रिवीजन कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब होता क्या है कि आपने रेगुलर जय चावला से पढ़ा, तो बूस्टर भी अगर आप जय चावला का ही देखोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मटेरियल भी आपको वैसा ही मिलेगा, उसी टाइप का मिलेगा और अपडेटेड मिलेगा, इसमें आपके अमेंडमेंट्स भी कवर हो जाएंगे। सो दिस इज गोना बी अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू परचेज रेगुलर कोर्स FR बैच। सो ये चीज आपको एक बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, ये बूस्टर रिविजन कोर्स मुझे बहुत जबरदस्त फीडबैक दिया है, पिछले 2 अटेम्प्ट में बहुत जबरदस्त फीडबैक मिला है मुझे इसका, एंड आई कैन डेफिनेटली से इट कि इससे कॉम्पैक्ट, इससे ज्यादा अच्छा रिवीजन कोर्स FR का कहीं नहीं हो सकता, जो कि हम फ्री दे रहे हैं रेगुलर कोर्स स्टूडेंट को। ठीक है, सो नाउ ये सारी, इतनी सारी खास बातें हैं। और ये बूस्टर रिवीजन कोर्स आप कितने टाइम तक परचेज कर सकते हो? मान लीजिए आज मैंने FR परचेज किया, मैं जिस दिन FR परचेज कर रहा हूं वहां से लेकर 2 साल तक मेरे पास 2 साल की अपॉर्चुनिटी है, 2 साल तक मैं कभी भी जय सर का बूस्टर रिवीजन कोर्स परचेज कर सकता हूं, वो भी बिना किसी प्राइस पे। मुझे सिर्फ और सिर्फ बुक सेट परचेज करना पड़ेगा जो कि 500 से 700 के बीच में रहेगा। ठीक है, सो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं आपको दे रहा हूं कि आप 2 साल के अंदर अंदर मेरा बूस्टर रिविजन कोर्स परचेज कर सकते हो। जिस दिन आप FR रेगुलर कोर्स परचेज कर रहे हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उस दिन आप हमसे बूस्टर बैच मत मांगिए। आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप पूरा रेगुलर कोर्स अच्छे से कर लीजिए, आप अपने बाकी के सब्जेक्ट्स कर लीजिए, जब आपका एग्जाम आएगा तो एग्जाम से जस्ट 6 महीने पहले आप ये देखिए कि यार आपको क्या जरूरत तो नहीं है बूस्टर कोर्स की, आपको रिविजन की जरूरत तो नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि नहीं यार रिविजन की जरूरत नहीं है, जय सर से पढ़ा था, बहुत अच्छा पढ़ा था, हमारा कवर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि यार मैं भूल गया हूं, मुझे इसको कवर करने की जरूरत है, पर देखना मुझे जय सर का ही है, मैं क्या सीरियल की एक्सटेंड करवा लूं क्या? और आप जानते हैं कि सीरियल की एक्सटेंशन के लगभग लगभग 25% ऑफ द फीस चार्ज होता है, सो वो अब आपकी वेव हो जाएगी एक तरीके से, आपको सीरियल की एक्सटेंड नहीं करवानी, आपको बूस्टर कोर्स परचेज करना है जो कि फ्री रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ एक और गुड न्यूज जो मैं आज तो नहीं बट बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं, कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है वी स्मार्ट का, और वो डेवलपमेंट जैसे ही हमारा कवर अप हो जाएगा, सो हम बहुत ही जल्द FR के रिगार्डिंग बहुत ही जल्द मैं आपके सामने आऊंगा फिर से और एक अच्छी न्यूज लेके आऊंगा। यस, एक बहुत अच्छी न्यूज जो अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। यस, इट इज समथिंग रिलेटेड टू टॉपिक वाइज कोर्स, इट इज समथिंग रिलेटेड टू लाइव लेक्चर्स एंड ऑल, बट वो क्या रहने वाला है, क्या कब से रहने वाला है, किस तरीके से रहने वाला है, उसकी बहुत ही जल्द एक अनाउंसमेंट आने वाली है और आपको वो पता चलेगा आगे चल के। गाइस, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टिल एग्जाम हमारा सपोर्ट कैसा रहता है, मैं किस तरीके से स्टूडेंट को एग्जाम तक सपोर्ट कैसे करता हूं, टिल एग्जाम सपोर्ट आपको किस तरीके से मेरे तरफ से आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको बूस्टर कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, बूस्टर रिवीजन कोर्स एग्जाम तक, मतलब आप बूस्टर रिवीजन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट परचेज कर सकते हो रेगुलर कोर्स के बच्चे। इसके अलावा चार्ट रिवीजन लेक्चर्स ऑलरेडी हमने अपने YouTube चैनल पे डाल के रखे हैं, ये YouTube पे आपको चार्ट रिवीजन लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, चार्ट रिवीजन लेक्चर्स।
चार्ट रिवीजन लेक्चर्स को समय समय पर अमेंड किया जाएगा, जैसे जैसे एएस इंड एएस में अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं, तो हम इनको समय समय पर अमेंड करते रहेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक कंपाइलर जो कि बहुत ही जल्द मैं लॉन्च करने वाला हूं, विद इन वन वीक मैं लॉन्च करने वाला हूं, क्वेश्चन बैंक कंपाइलर के वीडियोज भी आपको यूट्यूब पे दिए जाएंगे मेरी तरफ से। क्वेश्चन बैंक कंपाइलर क्या है सर? क्वेश्चन बैंक कंपाइलर मीन्स आज तक के एफआर न्यू कोर्स के जितने भी पेपर्स हुए हैं, जितने भी आरटीपीज आई हैं, जितनी भी एमटीपीज लॉन्च हुई हैं, उन सभी के क्वेश्चंस एक जगह पर चैप्टर वाइज आपको दिए जा रहे हैं। चैप्टर वाइज आरटीपी कंपाइलेशन, एमटीपी कंपाइलेशन एंड पास्ट एग्जामिनेशन कंपाइलेशन आपको दिया जा रहा है, वो भी उसके वीडियोज भी मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालूंगा, ठीक है। इसके अलावा समय समय पर हम आरटीपी और एमटीपी डिस्कशन तो करते ही रहते हैं, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि तो समय समय पर हम 6-6 महीने में आरटीपी एमटीपी डिस्कशन जो करते रहते हैं वो चलता रहेगा। सो गाइज, ये एग्जाम सपोर्ट तो हमारा एग्जाम तक हमारा जो सपोर्ट आपको एक्सटेंडेड मिलता है वो अलग बात है, बट नाउ वी आर प्रोवाइडिंग यू एक्सटेंडेड सपोर्ट बाय वे ऑफ मॉड्यूल 1 ऑल लेक्चर्स ऑन यूट्यूब, वी स्मार्ट अकेडमी चैनल और सीए जय चावला चैनल। उसके साथ साथ आपको मॉड्यूल 1 के पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो नाउ इफ यू आर हैविंग सम क्वेश्चंस टू आस्क, मैं उन क्वेरीज को ले लेता हूं। सर पीडीएफ दो ना, मैंने बोला ना पीडीएफ आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। पीडीएफ किस चीज का? मॉड्यूल 1 का भी पीडीएफ मिलेगा, जो मेरे लेक्चर्स डाले जा रहे हैं यूट्यूब पे उसमें मॉड्यूल 1 का पूरा पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ आपके पास रहेगा। एडिशनल क्वेश्चंस के पीडीएफ पर बेटा काम चल रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ, आपको पीडीएफ पूरा का पूरा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। पीयूष अग्रवाल, आई हैव सीन योर रिवीजन वीडियोस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन कंप्लीटेड विद इन 3 डेज इंक्लूडिंग मॉड्यूल, वेरी गुड। सर व्हाट अबाउट अर्लियर रेगुलर स्टूडेंट्स? अर्चित, अर्लियर रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको वेट करना है एडिशनल क्वेश्चंस के पीडीएफ का, जो कि बहुत ही जल्द मैं अपने टेलीग्राम चैनल और ग्रुप पे डाल दूंगा, और उन सारे क्वेश्चंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिक किया जाएगा फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस, उनकी रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर शेयर कर दिया जाएगा। बाकी जो पुराने रेगुलर कोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्स और बूस्टर कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको जो कोर्स प्रोवाइड किया गया है वही अपडेटेड है, वही पूरी तरीके से उसको अपडेट किया गया है समय समय पर। जैसे इंड एएस 116 हमने उसमें ऑलरेडी डाल दिया, और कोई बड़े चेंजेस हुए नहीं थे पास्ट डेज में, तो हमने वो पूरा अपडेट कर दिया था। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको मेरा फास्ट ट्रैक बैच परचेज करना है अपकमिंग May 21 अटेम्प्ट के लिए, वो उनको कोई दिक्कत नहीं, आप मेरा एग्जिस्टिंग फास्ट ट्रैक बैच परचेज कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। एडिशनल क्वेश्चंस के वीडियोस मैंने आपको कमिटमेंट किया है अपनी तरफ से प्रोवाइड करूंगा अलग से यूट्यूब पे, ठीक है। सर लेक्चर टाइमिंग क्या रहे? सर लेक्चर टाइमिंग मैं समझ नहीं पा रहा, लेक्चर टाइमिंग कुछ नहीं रहेगा, ये जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे रिकॉर्डेड, मतलब मैं रिकॉर्ड करके उनको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप किसी भी टाइम पे देख सकते हो। मतलब मॉड्यूल 1 के जो लेक्चर्स हैं वो लाइव नहीं रहेंगे, मैं रिकॉर्ड करूंगा और अगले दिन उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ऐसा सिस्टम है। अभी तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12 से 15 लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल भी जाएंगे, वो अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। नेम ऑफ टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल का नेम है सीए जय चावला, CA.JayChawla टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम जो ग्रुप है दैट इज FR ओनली CA जय चावला, ठीक है ना, डाउट्स एंड डिस्कशंस ऑन FR। सर प्लीज गिव द शेड्यूल हाउ टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर May 21 राइट फ्रॉम दिस मंथ। डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली मेक अ शेड्यूल फॉर May 21 अटेम्प्ट, और मैं डेफिनेटली एक नए वीडियो के साथ शेड्यूल लेके आऊंगा May 21 बच्चों के लिए, ठीक है। सर इंड एएस 10 इज रीडेवलप, आई हर्ड हाउ टू डील विद द सेम। बेटा इंड एएस 110, यस ऑफ कोर्स वो रीडेवलप हुआ है, उसको हमने देखा अभी, उसमें उन्होंने बेसिकली कोई अमेंडमेंट नहीं किया है, उन्होंने रीडेवलप किया है। मतलब उनको पहले ऐसा था कि इंड एएस 110 जो था पहले ऐसा था, वो बेसिकली कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अरेंज्ड फॉर्म में नहीं था, अब उन्होंने अरेंज्ड फॉर्म में कर दिया और बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशंस जोड़ दिए। पहले उन्होंने एग्जाम्पल्स को इलस्ट्रेशन के फॉर्म में दिखाया था, अब उन्होंने उन्हीं इलस्ट्रेशंस को पैराग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, जितनी अभी तक जो मेरी स्टडी रही है, ठीक है। सो इस तरीके से उन्होंने किया है, बट डेफिनेटली उन्होंने बहुत अच्छा चेंज किया है 110 में, उन्होंने बहुत अच्छा चेंज किया है। इवन आज ही मुझे लगता है शायद मॉड्यूल 3 भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, मॉड्यूल 3 के ऊपर भी हम काम करेंगे, और जैसे जैसे हमारा काम होता जाएगा मॉड्यूल वाइज आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। सो गाइस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि अगर
यू फाइंड दिस वीडियो बेनिफिशियल फॉर एनी पर्सन, फॉर योर फ्रेंड, फॉर योर जूनियर, जस्ट शेयर द वीडियो, हो सकता है किसी का अच्छा बेनिफिट हो जाए, ठीक है ना। सो ये वीडियो प्लीज शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ ना कुछ 1% भी अगर मैंने आपको कोई अच्छा चीज प्रोवाइड किया है, वेदर इन फॉर्म ऑफ चार्ट रिवीजन, वेदर इन फॉर्म ऑफ अदर काइंड ऑफ रिविजन्स, सो प्लीज आप मेरे लिए बस एक अच्छा काम करिए कि ये जो वीडियो है वो सबके साथ शेयर करिए। और अगर आपको लगता है कि मेरा फीडबैक अच्छा है, मेरा पढ़ाना अच्छा है, तो जरूर आप रिकमेंड करिए मेरी क्लासेस को। सो गाइज, दिस वॉज द अनाउंसमेंट फ्रॉम माई साइड। डोंट फॉरगेट अबाउट दिस एक्सटेंडेड सपोर्ट। ये एक्सटेंडेड सपोर्ट आप सबको मिल रहा है, वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरी क्लासेस परचेज की हैं या जो परचेज करने वाले हैं, उनको यूट्यूब पे स्टार्टिंग के 30 लेक्चर्स दिए जाएंगे। उसके बाद के बाकी लेक्चर्स इनक्रिप्टेड फॉर्म में होंगे। मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 और बाकी बुक्स आपको मिल जाएंगी। वो जो मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 बुक्स होंगी, उसमें इंस्टीट्यूट ने जो अपडेशन किया है वो भी कवर करके दिया जाएगा, ठीक है। यही रीजन है कि मैं अभी पिछले 3-4 दिन से अपनी क्लासेस जानबूझ के रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, ताकि थोड़ा सा मैं इस पे काम करूं और फिर आगे बढ़ूं। सो गाइस, दे एडेड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम आईएफआरएस एंड मेड करेक्शंस। यस सर, जिन्होंने इंटर के एग्जाम्स दिए हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं एफआर। बेटा देखो शिवम, इंटर के जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, अगर वो 99% श्योर है, 100% तो कोई भी नहीं बोल सकता, पर अगर वो बिल्कुल डैम श्योर है कि वो 100% पास हो रहे हैं, तो ही मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एफआर स्टार्ट करिए, नहीं तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मतलब मैं उस टाइप का व्यक्ति नहीं हूं कि मैं बोल दूंगी चलो ठीक है तुम तो परचेस कर लो, बाद में अपन एडजस्ट कर लेंगे, वो सब चीजें सही नहीं है। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आप 100% श्योर हो कि आपका इंटर क्लियर हो रहा है, तो आप एफआर चाहो तो अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी बहुत टाइम वेस्ट हुआ है पिछले लॉकडाउन सीजन में, क्यों ना आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाए, ठीक है। Whether your compiler consists of ICI material problems also? No. Compiler consists of all RTPs, MTPs and past examination papers. What about ICI material questions? They have already covered in my module 1, module 2, module 3 main books. मेरे module 1, module 2, module 3 के main जो books हैं, उसमें मैंने ICI के सारे material, ICI material के सारे questions plus कुछ old syllabus के रेलेवेंट क्वेश्चंस जो इक्वली यहां पर इन डेज में अप्लाई हो सकते हैं, कुछ इंटरनेशनल टेक्स्ट बुक्स से लिए गए क्वेश्चंस, आईटीएफजी क्लरिफिकेशंस को कवर अप करके, कंबाइन करके मैंने मॉड्यूल 1, 2, 3 मेन मॉड्यूल्स बनाए। सो आईसीआई का जो मटेरियल है उसके जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो हम अपने मेन मॉड्यूल में कवर करते हैं। कंपाइलर में आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स के क्वेश्चन कवर होते हैं। जो नए क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में दिए हैं वो भी हम आने वाले दिनों में अपने मॉड्यूल में ही डालने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस मेरे साथ इस लेक्चर में बने रहने के लिए। एक फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जरूर शेयर करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्ड एफआर का इंट्रोडक्शन लेक्चर मिल जाएगा। एफआर का इंट्रोडक्शन लेक्चर मतलब जो मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया कि मेरे एफआर के कितने लेक्चर्स होने वाले हैं, कितना वैलिडिटी होने वाला है, कितना रिकॉर्डिंग कब का है, और मॉड्यूल्स कौन कौन से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बूस्टर विजन लेक्चर्स आपको आगे चल के फ्री में मिलेंगे, ये सबका डिटेल्ड इंट्रोडक्शन लेक्चर के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका डिटेल्ड इंट्रोडक्शन लेक्चर मिल जाएगा, हो सके तो वो देख लीजिएगा ऑर्डर करने से पहले, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि किस तरीके से ये क्लासेस पूरी तरीके से कंडक्ट होने वाली हैं, ठीक है बेटा। सो निश्चिंत रहिए, हम इस तरीके से काम नहीं करेंगे कि आपको पुराने वीडियोस प्रोवाइड कर दें। मैंने अभी आपको दो बार बोला, मैं तीसरी बार लास्ट एक रिपीट कर रहा हूं कि मैंने अपनी रिकॉर्डिंग अभी जस्ट स्टार्ट की हुई है और उसमें से 25 लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर दिया है। बट नाउ आई हैव टुक अ ब्रेक ऑफ सम डेज, स्पेशली मैंने 4-5 दिन का ब्रेक लिया है। मैं जानबूझ के क्लासेस को रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, मुझे जरूरत पड़ी तो मैं थोड़ा सा ब्रेक और बढ़ा दूंगा। क्यों? ताकि मुझे इंस्टीट्यूट के सारे एडिशनल क्वेश्चंस को कवर अप करना पड़े, कंपाइल करना पड़े अपने मॉड्यूल्स में। सो उस पे हम लगे हुए हैं, तो क्लासेस पूरी तरीके से रीसेंट रिकॉर्डिंग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है। बाकी यस, एक मेरी तरफ से एक और अनाउंसमेंट आने वाली है बहुत ही जल्द रिगार्डिंग समथिंग न्यू डेवलपमेंट्स इन वी स्मार्ट, और वो बहुत ही जल्द आपको मिलेगी, ठीक है।
आई परचेज योर कलर चार्ट बुक फ्यू डेज बैक, आई हैड अ डाउट वेदर इट्स सब्जेक्ट टू चेंज, प्लीज हेल्प मी आउट सर. नो, करंटली इट इज नॉट सब्जेक्ट टू चेंज. अगर किसी चार्ट में चेंज होता है बेस्ड ऑन द चेंजेस मेड बाय आईसीआई, हम उस चार्ट को रिवाइज करके उसका पीडीएफ यूट्यूब पे सॉरी टेलीग्राम पे डाल देंगे. मतलब अगर किसी ने मेरा चार्ट बुक अभी भी परचेज किया है और अगर आप आगे आने वाले टाइम में परचेज करना चाहते हो तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आप परचेज कर सकते हो. जो भी चेंजेस होंगे किसी भी चार्ट में उनको एडिशनल चार्ट बना के आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे. सो डोंट वरी ज्योत्सना. थैंक यू कृष्णा. व्हाट अबाउट हु हैज टेकन फास्ट ट्रैक एफआर कोर्स? दो स्टूडेंट्स हु हैव टेकन लास्ट फास्ट ट्रैक एफआर कोर्स और हु आर गोइंग टू परचेज द फास्ट ट्रैक एफआर कोर्स, जो कि मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग है, आप उस रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू देख सकते हो. उसमें कोई बदलाव नहीं है. सिर्फ आईसीआई के जो नए मॉड्यूल्स आए हैं, उनमें जो भी चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस को सेपरेटली टेलीग्राम पे डाला जाएगा और उनके वीडियोस को रिकॉर्ड करके दिया जाएगा. मैं बहुत देर से ये वाली बात को रिपीट कर रहा हूं, मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी. ठीक है, सो दिस इज इट गाइस. अच्छा लगा आपके साथ लाइव बने रहने के लिए. थैंक यू सो मच. ये मैसेज मेरा सभी तक पहुंचा दीजिएगा. थैंक यू सो मच. बाय बाय. जय माता दी. अल्लाह हाफिज़.